हाँ बच्चों, तो ये डिप सर्कल के बारे में तुम्हें समझ में आया क्या होता है भाई ये डिप सर्कल? अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि डिप सर्कल जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में ही हो। हाँ, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में हुआ तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक निडल जिस डायरेक्शन में होगी वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो एंगल बनेगा विद द हॉरिजॉन्टल, वो एंगल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही बन रहा होगा। तो ये मैग्नेटिक निडल हॉरिजॉन्टल से जितना नीचे है वो आपको एंगल ऑफ डिप अपने आप दे देगा। लेकिन देखो, अभी अपन जैसे इस जगह पे खड़े हुए हैं, जहां पर भी आप हो, तो हमें पता नहीं है कि अपना जो है मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन कौन सा है, दैट वी डोंट नो, राइट? एंड बिकॉज वी डोंट नो द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, आप जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपको डिप सर्कल, डिप एंगल पता लगाना है, एंड यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ डिप सर्कल, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में रखना पड़ेगा। इसको ये जो फैसिलिटी दी हुई है रोटेट करने की, इसकी मदद से आपको पहले मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में रखना पड़ेगा, तब जाकर के जो एंगल मैग्नेटिक निडल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ, उस एंगल को आप कहोगे कि वो एंगल ऑफ डिप है। बट बात यही तो है कि हमें क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन कौन सा है ये पता ही नहीं है। तो क्या करते हैं, देखो, हाउ एंगल ऑफ डिप इज डिटरमाइंड, व्हाट वी डू इज वी फिक्स द डिप सर्कल इन एनी प्लेन, है ना? डिप सर्कल इज फिक्स्ड इन एनी वर्टिकल प्लेन, लेट से कुछ ऐसी स्थिति है कि ये जो प्लेन है हमारा, ये तो एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है ना? ये एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है, और इस प्लेन में हमने क्या किया है, डिप सर्कल को रख लिया। ऐसे एक वर्टिकल प्लेन में हमने क्या कर लिया है, डिप सर्कल को रख लिया। ये है डिप सर्कल का प्लेन और ये है मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन। अब क्या है, देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लाई करता है और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लाई करता है, है ना? अब बात क्या है बेटे, कि जो मैग्नेटिक निडल है वो तो अब इसी प्लेन में रोटेट कर सकती है, किसमें, डिप सर्कल वाले प्लेन में। इन दोनों के बीच में हम एंगल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं है कुछ फाई एंगल, लेट फाई बी द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द डिप सर्कल। वी डोंट नो फाई, फाई पता नहीं हमें, हमें मैग्नेटिक मेरिडियन ही नहीं पता है। तो क्या होगा कि अब आप देखो, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के भी मैं कंपोनेंट कर लेता हूँ। एक कंपोनेंट तो डिप सर्कल वाले प्लेन में कर लेता हूँ, वो आ जाएगा बी एच कॉस फाई,
और एक डिप सर्कल के परपेंडिकुलर प्लेन में कर लेता हूँ, वो आ जाएगा कितना, बी एच साइन फाइव। एक आ जाएगा बी एच कॉस फाइव, एक आ जाएगा बी एच साइन फाइव। अब देखो मैग्नेटिक निडल, सिंस इट कैन ओनली रोटेट इन दिस प्लेन, तो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आएगा, क्या उस डायरेक्शन में मैं बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक निडल अपने आप को अलाइन कर ले। क्यों बेटे, अच्छा क्यों ऐसा क्यों भाई? क्योंकि देखो क्या होगा, ये जो बी एच साइन फाई वाला कंपोनेंट जो अपन ने बनाया है, ये मैग्नेटिक निडल पे फोर्स तो लगाएगा, लेकिन अब देखो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द निडल है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ निडल यही वाली लाइन तो है, क्या यही लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चों? यही वाली लाइन, इसी लाइन के अबाउट तो रोटेट कर रहा है ना ये, क्यों बच्चों? यस तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाओगे तो क्या ऑब्जेक्ट रोटेट हो पाएगा क्या? जैसे ये फैन है अपना, सीलिंग फैन, सीलिंग फैन किस प्लेन में रोटेट करता है? व्हाट इज प्लेन? सर, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा होता है? वर्टिकल। तो अगर अपन फैन पे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या वो फैन रोटेट हो पाएगा क्या? वो नो रोटेट नहीं हो पाएगा। तो रोटेट करने के लिए हमें फोर्स जो लगाना पड़ेगा वो कैसे लगाना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही लगाना पड़ेगा, है ना? वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स से तो रोटेट नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, ये बी एच साइन फाई विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस। तो क्या होगा, टॉर्क तो सिर्फ बी एच कॉस फाई और बी वर्टिकल कॉम्पोनेंट का ही आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आ रहा होगा ना, उतने एंगल पे ये डिप हॉरिजॉन्टल के साथ निडल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ डिप ले लेगा। ये जो एंगल मैंने इधर बनाया है ना बच्चों, इस एंगल को बोलते हैं, देखो हमें ऐसा लग रहा है कि निडल इतने एंगल से डिप हो गई है, यानी इस डायरेक्शन में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वाकई में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं है। इस एंगल को बोलते हैं अपरेंट एंगल ऑफ डिप। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। अपरेंट एंगल ऑफ डिप। तो इसका अगर मैं टेन डेल्टा निकालूं, टेन डेल्टा अपरेंट, तो ये कितना आ रहा है, बी वी डिवाइडेड बाई बी एच कॉस फाइव, ठीक है? या कॉट डेल्टा एपरेंट अगर मैं लिखूं तुम्हारे सामने, कॉट डेल्टा एपरेंट, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, बी एच कॉस फाई डिवाइडेड बाई बी वी, ये कॉट डेल्टा एपरेंट इतना आ रहा। अब देखो हम क्या करते हैं, ये डिप सर्कल को तो रोटेट करने की आजादी अपने को है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है ना? अब इस डिप सर्कल को क्या है, मैं 90 डिग्री एंगल से रोटेट कर देता हूँ। डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये ऐसे रोटेट कर देते हैं इसको, तो ठीक है, सो दैट
ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये हो जाएगा कितना, 90 माइनस 5, और इस डायरेक्शन में है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और इधर है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक। अब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हम इस वाले प्लेन में कंपोनेंट ले लेंगे तो वो आ जाएगा कितना, बी एच कॉस 90 माइनस 5, यानी कि बी एच साइन 5। और परपेंडिकुलर प्लेन में जब कंपोनेंट ले लेंगे तो वो आ जाएगा कितना, बी एच कॉस 5। अब ये बी एच कॉस 5 की वजह से रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन तो जो होगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट से डिसाइड होगा। इनफैक्ट ये बी एच कॉस 5 को अपन हटा ही दें, इसका कोई काम है ही नहीं, ये अननेसेसरली डायग्राम हमारा कॉम्प्लिकेट करेगा। ये है अपना डिप्ट सर्कल वाला प्लेन, दिस इज प्लेन ऑफ डिप्ट सर्कल एंड दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो क्या होगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा आएगा, उस वाले प्लेन में, ठीक है, और मैग्नेटिक निडल सर आपका आवाज नहीं आ रही, हाँ बेटे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर एंड ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो कॉट स्क्वायर डेल्टा एपरेंट प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा एपरेंट डैश, ये किसके बराबर हो गया बेटे, बी एच स्क्वायर बाई बी वी स्क्वायर। हाँ बच्चों, अभी तो आवाज सुनाई दे रही है ना। Yes. अच्छा ये ध्यान दो, जो एक्चुअल एंगल ऑफ डिप होता है मेरा, इफ डेल्टा इज एक्चुअल एंगल ऑफ डिप, तो टेन डेल्टा की वैल्यू क्या लिखेंगे, टेन डेल्टा को क्या बीवी बाई बीएच के बराबर लिख सकते हैं क्या? तो बी एच बाई बीवी कॉट डेल्टा हो जाएगा, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा,
cot square delta apparent plus cot square delta apparent dash is equal to cot square delta. ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes sir. हाँ. सर हाँ बोलो बेटे. सर वो जो फोर्स है वो तो नीडल पे लगना चाहिए एक्सिस के. हाँ, तो फोर्स तो नीडल पे ही लग रहा है. एक्सिस मतलब जैसे मान लो ये नीडल का नॉर्थ पोल है ना, तो यहीं पे लगेगा ना फोर्स. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से इधर लगेगा, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से इधर लगेगा. वो तो अपन ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई है ना, जहां पे उसका पोल प्रेजेंट होगा वहीं पे फोर्स लगेगा. क्यों बच्चों ये बात समझ में आ रही है? Awesome. ये डेल्टा एपरेंट और डेल्टा एपरेंट डैश क्या है बच्चों? डेल्टा एपरेंट एंड Delta apparent dash are apparent angle of dips in two mutually perpendicular positions of the डिप सर्कल. डेल्टा एपरेंट एंड डेल्टा एपरेंट डैश आर एपरेंट एंगल्स ऑफ डिप इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर पोजिशंस ऑफ द डिप सर्कल. ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. तो देखो क्या है, मतलब ये एक ऐसा तरीका है जिसके के थ्रू क्या है, अगर हमें मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं भी पता है कि किस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक मेरिडियन, तो उसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूं बेटे, एंगल ऑफ डिप पता लगा सकता हूं. आप क्या करो, डिप सर्कल को किसी भी एक वर्टिकल प्लेन में रख लो और देख लो कि वहां पर एंगल ऑफ डिप क्या आ रहा है. उसको एपरेंट एंगल ऑफ डिप डेल्टा एपरेंट नाम दे देते हैं. फिर डिप सर्कल को आप 90 डिग्री एंगल से रोटेट कर लो. 90 डिग्री रोटेट करने के बाद एपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या आ रहा है वो आप नाप लो. उसको डेल्टा एपरेंट डैश नाम दे दो. कॉट स्क्वायर डेल्टा एपरेंट प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा एपरेंट डैश अगर आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉट स्क्वायर डेल्टा एपरेंट जो कि एक्चुअल एंगल ऑफ डिप होता है वो आपको मिल जाएगा. Is this okay? Yes, sir. Yes. तो ये इस तरह से क्या है बच्चों, हमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चलता है.
अब हम जो इसमें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ, देखो क्या है बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि भाई जब ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म स्टार्ट हुई तो लोगों ने समझा कि भाई क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर मटेरियल से बनी हुई रॉक्स न्यूट्रल होने के बाद भी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं। तो वो अट्रैक्ट या रिपेल करने के पीछे उन्होंने ये थ्योरी बनाई कि भाई इनके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। और इनफैक्ट फिर बाद में पता लगा कि कभी भी दो पोल्स को सेपरेट नहीं कर पाते, तो उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं, है ना, इस तरह की बात उन्होंने कही। लेकिन फिर आगे जाके जैसे जैसे फील्ड की डिस्कवरी हुई तो लोगों को ये समझ में आया कि भाई क्या होता है, एक्चुअल में ऐसा कोई मैग्नेटिक पोल वोल कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स ही तो होते हैं। कौन होते हैं? मूविंग चार्ज पार्टिकल्स ही मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स होते हैं। मूविंग चार्ज पार्टिकल्स आर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे एक चार्ज पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है तो इट इज एज गुड एज अ डाइपोल, दिस चार्ज पार्टिकल इज एज गुड एज अ चार्ज डाइपोल। जैसे अगर एक क्यू चार्ज है और वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से आर रेडियस के सर्कल में अगर घूम रहा है तो इसका इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। इसका इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो मैग्नेटिक मोमेंट को लिखते हैं करंट इनटू एरिया, है ना। अब जैसे इस, मान लो इस जगह से आप देखो कि कितना चार्ज पास हो रहा है पर यूनिट टाइम में, तो क्या हम बोल सकते हैं देखो एक रोटेशन पूरा करने में इसको 2π/ω का टाइम लगता है। इसका मतलब 2π/ω टाइम में क्यू चार्ज पास होता है, तो पर यूनिट टाइम कितना चार्ज पास हो रहा है, क्यू डिवाइडेड बाय 2π/ω पर यूनिट टाइम इतना चार्ज पास हो रहा है। और इसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें यानी पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय, ऐसा इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। तो एवरी चार्ज विच इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ हैज दिस मच मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट्स मोशन, ठीक है। और एक बात ध्यान दो कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है और इस चार्ज का जो एंगुलर मोमेंटम है दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। एंगुलर मोमेंटम अगर इसका लिखना है मेरे को तो क्या उसको आई ओमेगा यानी एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा ऐसा लिख सकता हूं? इन दोनों का रेशो आप कैलकुलेट करो म्यू अपॉन एल, तो वो रेशो क्या आएगा बच्चों? म्यू बाय एल अगर कैलकुलेट करोगे तो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू और इसको डिवाइड कर दूं एम ओमेगा आर स्क्वायर, तो ओमेगा आर स्क्वायर से ओमेगा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो म्यू बाई एल की क्या वैल्यू आ जाएगी? क्यू बाई टू एम। म्यू बाई एल की वैल्यू हो जाएगी क्यू डिवाइडेड बाई टू एम, ऐसी वैल्यू म्यू बाई एल की आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर।
अब देखो हर एटम के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कई सारे एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट करते हो, जैसा केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, कई सारे एंगुलर मोमेंटम अपन उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो उन हर एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या है, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट भी एसोसिएटेड होता है, म्यू बाई एल इक्वल टू क्यू बाई टू एम के हिसाब से, है ना। अब लेकिन होता क्या है कि एक बड़े सब्सटेंस की बात कर रहे हैं अपन, तो हर एक का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो अलग अलग होता है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट जो उसमें होता है वो अलग अलग होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में अलग अलग होते हैं, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेल सबसे मतलब सबका इलेक्ट्रॉन्स का जो कंपोजिशन है वो सब में अलग अलग है। तो वो अलग अलग होने की वजह से क्या होता है, कुछ सबकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है ना वो भी अलग अलग हो जाती है। जैसे हमारे पास तीन टाइप के सब्सटेंसेस के बारे में अपन पढ़ेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स उनको कहते हैं दोज मटेरियल्स इन विच कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैव नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हैव नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब ऐसे मटेरियल जो कि इस तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं कि एवरी एटम और एवरी मॉलिक्यूल हैज इट्स ओन नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दोज मॉलिक्यूल्स और एटम्स। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ दोज एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच हैव जीरो मैग्नेटिक मोमेंट विच हैव जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर देते हैं ताकि उनका कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकल करके आता। फेरोमैग्नेटिक फिर किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स हैव नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट एंड देयर एग्जिस्ट कपलिंग बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स
which leads to domain formation. जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, डोमेन्स फॉर्म हो जाती है. और ये डोमेन्स क्या होती हैं? डोमेन्स आर अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक रीजन inside a substance which has a non-zero magnetic moment. है ना, ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes. ये नोट किया बच्चों सबने? अच्छा, ओके. अब देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सबका ही नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है बच्चों. पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, डायमैग्नेटिक में क्या होता है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है? सबसे पहले पैरामैग्नेटिक का समझ लेते हैं. देखो क्या है, एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन ये जो एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट है या ये जो मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक मोमेंट है, ये कुछ इस तरह से अलाइंड होता है ये एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट या मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो कुछ इस तरह से अलाइंड होता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के
जो म्यू टोटल होता है वो जीरो ही होता है। अच्छा, डायमैग्नेटिक में तो कोई मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट होता ही नहीं है, तो इसका तो म्यू टोटल जीरो होता ही है। फेरोमैग्नेटिक में भी क्या होता है, ओवरऑल देखा जाए तो इसका भी म्यू टोटल तो जीरो होता है, लेकिन यहां पे क्या है, आप ऐसा मान सकते हैं कि इसमें कुछ डोमेन्स क्रिएटेड होते हैं। ये बात समझ में आती है, म्यू टोटल इसका भी जीरो है, लेकिन तब भी क्या है, कुछ पार्ट्स ऐसे ढूंढ सकते हैं अपन कि जहां पर कुछ वॉल्यूम ऐसा मिल जाएगा हमको जहां पर कि मैग्नेटिक मोमेंट इनका नॉन जीरो होगा, है ना। मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे क्या है, कंसिडर अ वेरी लार्ज कंट्री विच इज डिवाइडेड इंटू मेनी स्मॉल स्टेट्स, राइट। तो अब क्या है कि वैसे तो देखा जाए तो भाई दो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। एक तो क्या है कि हर छोटे छोटे रीजन का बिल्कुल कल्चर ही अलग है, है ना। सो दैट वी कैन नॉट कॉल वन कल्चर ऑफ एनी लार्ज कंट्री, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ओवरऑल तो आप ऐसा कुछ एक एक सिंगल कल्चर कंट्री का है ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन तब भी क्या है, तब भी कुछ रीजन्स हैं, कुछ पॉकेट्स हैं जो एटलीस्ट उनका आपस का बिहेवियर जो होता है वो एक जैसा होता है, राइट। तो दैट इज अ डोमेन, मतलब वो एक मत के हैं, एक जैसे हैं वो लोग, उनकी सोच उनका विचार एक जैसा है ना। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Okay. तो ये हो गए पैरामैग्नेटिक, ये हो गए डायमैग्नेटिक, ये हो गए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, है ना। अब जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है उसकी बात करते हैं। ये तो कब था, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अगले पेज पे चले बच्चों। नहीं सर, एक मिनट। सर पैरामैग्नेटिक में हम लोग कोई रीजन लेंगे वहां पर जीरो होगा? जीरो जीरो होगा उसमें। आप छोटे से छोटा भी कोई रीजन ले लोगे, जब तक आप एक सिंगल मॉलिक्यूल पे नहीं आ जाओगे ना तब तक आपको मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ही मिलेगा। हाँ भाई, नोट कर लिया? Yes, sir. अब देखो क्या है, नाउ व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड,
तो क्या होगा, देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होगा, डायमैग्नेटिक में क्या होगा और फेरोमैग्नेट मटेरियल्स में क्या होगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान लो हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, यहां भी इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, यहां भी इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, देखो जो एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट पहले से ही थे तो उन पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, है ना। मॉलिक्यूल्स सिंस दे ऑलरेडी हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट दे विल एक्सपीरियंस टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सो मॉलिक्यूल्स विल अलाइन देमसेल्व इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सबके सब सेना के जवान की तरह जैसे आया कि दाएं मुड़ तो सब लोग राइट टर्न करके एक लाइन अलाइन अपने आप को कर लिए, क्या होगा रैंडम कैरेक्टर रहेगा बिकॉज ऑफ देयर थर्मल एनर्जी, उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, लेकिन हाँ तब भी क्या होगा, अब वो थोड़ा बहुत उनकी टेंडेंसी मतलब इसके तरफ जाने की ही रहेगी, है ना। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes. तो क्या होगा, द सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस will now acquire a small magnetic moment in the direction of be external. डायमैग्नेटिक में क्या होगा, डायमैग्नेट मटेरियल में कोई मैग्नेटिक मोमेंट मॉलिक्यूलर लेवल पे है ही नहीं पहले से, तो कोई टॉर्क वगैरह की तो बात ही नहीं होती, लेकिन इनका बिहेवियर गवर्न होता है बाय समथिंग कॉल्ड एज लेंज लॉ, और ये लेंज लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी आप अचानक से मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करते हो ऐसे रीजन में जहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, तो इस तरह के करंट इंड्यूस होते हैं या चार्ज पार्टिकल इस तरह से वेलोसिटीज एक्वायर कर लेते हैं कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकालते हैं वैसे मैग्नेटिक फील्ड का भी फ्लक्स निकाल सकते हैं, तो अपन ने राइट साइड में फील्ड लाइंस पास करवा दी, तो क्या होगा कि वो पहले इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसा था कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट टोटल जीरो हो रहा था, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट टू बी एक्सटर्नल विल स्पीड अप एंड दोज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ बी एक्सटर्नल will slow down. जो बी एक्सटर्नल के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो स्पीड अप हो जाएंगे, जो बी एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे,
ठीक है, जो बी एक्सटर्नल के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं वो स्पीड अप हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक मोमेंट एक्वायर कर लेगा। ये बात समझ में आती है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस विल गेट मैग्नेटाइज्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट ही एक्वायर करेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्वायर कर लेगा। तो हम लिखेंगे क्या, इट एक्वायर्स स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट टू क्या, बी एक्सटर्नल। ये चीज समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होगा कि जिन डोमेन्स का मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है वो डोमेन्स तो साइज में बहुत बढ़ जाएंगे, है ना? उठाओ, और जिनका अपोजिट डायरेक्शन में है वो साइज में बहुत छोटे हो जाएंगे। ठीक है, अरे बेटा पूछो तो, आप पूछो कौन बोल रहे हो, पूछो आप उनसे नाम पूछो। तो देखो क्या होगा बेटे, डोमेन्स प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ B external will grow in size therefore a huge magnetic moment gets created in the direction of B external. क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? मतलब देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या था कि उनमें थोड़ी बहुत यूनिटी तो पहले से ही थी, है ना? उनमें थोड़ी बहुत यूनिटी तो पहले से ही थी, और एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंशियल लीडर और आ गया जिसने उनको कोई बात समझाई और सबके सब बिल्कुल उसका साथ देने को तैयार हो गए। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। तो एक काफी लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तैयार हो जाता है। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं किनकी बेटे, पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। एक बात और है, हमने एक टर्म डिफाइन करी थी मैग्नेटाइजेशन, याद है मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को अपन लिख सकते हैं म्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
म्यू वेक्टर की यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटाइजेशन की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, है ना। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एक लॉ फॉलो करते हैं विच इज कॉल्ड एज क्यूरीज लॉ। दिस लॉ इज फॉलोड बाय पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस व्हाट हैपेंस इज their magnetization is inversely proportional to the absolute temperature. M is inversely proportional to 1 by T, या हम लिख सकते हैं M is equal to C by T. भाई देखो, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, as temperature increases, thermal energy increases. है ना, और एज थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर मॉलिक्यूल्स टू अलाइन देमसेल्व्स इन वन डायरेक्शन। किसी एक डायरेक्शन में अलाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज विथ थर्मल एनर्जी रैंडम मोशन बढ़ता है, उनकी रैंडम मोशन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, है ना। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उनका मैग्नेटाइजेशन उतना ही कम होगा बच्चों, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट कम जनरेट होगा। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, एक टेम्परेचर और डिफाइन करते हैं जिसको क्यूरीज टेम्परेचर बोलते हैं। वो टेम्परेचर क्या होता है? अरे ऊपर का पेज दिखा सकते हैं? हाँ बताएं। एक मिनट, क्यूरी टेम्परेचर क्या है? देखो, अ टेम्परेचर एट विच अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल gets converted into a paramagnetic material. A ferromagnetic material gets converted into a
बच्चों आवाज आ रही है? यस हाँ। ओके, तो देखो क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या बिहेवियर होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है थर्मल एनर्जी तो बढ़ी रही है, रैंडम मोशन बढ़ता है एंड डोमेन स्ट्रक्चर बिकम्स वीक, डोमेन स्ट्रक्चर कमजोर पड़ जाता है ना, एंड बियॉन्ड अ सर्टेन टेम्परेचर इट कंप्लीटली डोमेन्स कंप्लीटली ब्रेक, बियॉन्ड अ सर्टेन टेम्परेचर डोमेन स्ट्रक्चर कंप्लीटली ब्रेक्स, दस paramagnetic substances, ferromagnetic substances gets converted into a paramagnetic substances. क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes. अब देखो बच्चों जैसे क्या है, आप ऐसे समझिए कि ये मान लो कोई सोलेनोइड है और इसका सिलेंड्रिकल कोर है, ये सिलेंडर हॉलो टाइप का है ना, अब इसमें अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है कुछ म्यू नॉट एन आई, मान लो अंदर वैक्यूम है थोड़ी देर के लिए, तो अगर मैं इसके अंदर कोई मटेरियल इंसर्ट कर देता हूँ, कोई मैग्नेटिक मटेरियल मैं इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ, एनी मटेरियल इंसर्ट कर देता हूँ, तो जो अब जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर इंटू एन आई, जहां पर म्यू आर को क्या कहेंगे, रिलेटिव परमियबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल, और क्या होता है बच्चों अगर पैरा डाई और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की परमिएबिलिटीज को अगर अपन कंपेयर करें तो पैरामैग्नेटिक के मटेरियल की परमिएबिलिटी तो 1 से थोड़ी सी बड़ी होती है, डायमैग्नेटिक की रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से थोड़ी सी छोटी होती है, और फेरामैग्नेटिक की परमिएबिलिटी जो होती है इट इज फार ग्रेटर देन 1 होती है, 10^3, 4 इस तरह की, और पैरा और डाई की 10^-5 इस तरह की होती है, मतलब 1.0004, 1.0005 इस तरह की पैरा की होती है, डायमैग्नेटिक की 1 से थोड़ी सी छोटी होती है, मतलब 0.9998, 0.9996, और फेरोमैग्नेटिक की होती है जैसे 10,000, 9,776 इस तरह की फेरोमैग्नेटिक की होती है। और ऐसा क्यों होता है, देखो वही बात है, जैसे इसने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है बेटे, ये सॉलिनॉइड
राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में जनरेट कर रहा है ना. तो क्या होगा जब मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल इसमें इंसर्ट करूंगा तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज हो जाएगा. उसका थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में ही आ जाएगा तो वो भी थोड़ा सा खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में जनरेट करेगा तो बी इनसाइड जो है वो बढ़ जाएगा है ना. डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होकर के राइट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होकर के राइट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो उसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. और फेरो तो क्या होगा खूब सारा मैग्नेटाइज हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो क्या है अगर आपने जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि एक टेस्ला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया किसी डायरेक्शन में तो फेरोमैग्नेटिक तो 1000 टेस्ला खुद की तरफ से लगा देगा. समझ में आई बात? हाँ सर. है ना. अब देखो इसको और ठीक से समझाने के लिए क्या है हम कुछ और पैरामीटर्स की मदद लेते हैं. जैसे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी. अच्छा बिफोर आई टॉक अबाउट ऑल दिस मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक चीज और बस मैं थोड़ी सी बता दूं कि क्या होगा जैसे ये पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस है और ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और आपने दोनों को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस तो क्या करेगा आसपास की फील्ड लाइंस को अपने अंदर समेट लेगा. समझ रहे हो. सो दैट इसके अंदर जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर से ज्यादा होगी. डायमैग्नेटिक क्या करेगा इनको और रिपेल कर देगा ताकि वो ये पता चलता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड से कम है ना. क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा ये बात. अब अपन बात करते हैं किसकी जो पैरामीटर्स की मैं बात कर रहा था जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एच वेक्टर इसका सिंबल होता है और इसकी यूनिट होती है क्या एम्पियर पर मीटर. इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी है ना. ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है जैसे मैं एग्जांपल दूं सोलेनोइड के लिए इसकी वैल्यू होगी एन आई. क्या वैल्यू होगी बच्चों एन आई. फॉर सोलेनोइड मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा एन आई एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना. मतलब अगर किसी पर्टिकुलर करंट ये किस पे डिपेंड करता है इट डिपेंड्स ऑन करंट डिस्ट्रीब्यूशन. And it is completely independent of medium. कौन सा medium है क्या है उस पर यह बिल्कुल भी depend नहीं करता. ये बात समझ में आ रही है बच्चों. जैसे एक सर्कुलर लूप है तो सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है म्यू नॉट एन आई बाई टू आर होता है ना बच्चों.
तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या लिखेंगे, सिर्फ एन आई बाई टू आर, म्यू नॉट को हटा दूंगी। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी हम किसी मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाले रीजन में किसी मटेरियल को रखेंगे तो उसका जो मैग्नेटाइजेशन होगा वेक्टर एम, मैग्नेटाइजेशन ऑफ एनी मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन will be such that it will be directly proportional to the magnetic intensity of that current distribution. M is magnetization of any material in presence of a current distribution. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगा। और ध्यान दो, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की सेम यूनिट होती है, तो हम मैग्नेटाइजेशन को कितना लिख देते हैं, मैग्नेटाइजेशन को लिख देते हैं सम कांस्टेंट, इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, काई सिंबल होता है ये, है ना, काई को बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। है ना, इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती, नो यूनिट्स। क्या ये बात समझ में आती है बेटे? और ये जो ससेप्टिबिलिटी होती है बच्चों पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो होती है, स्लाइटली पॉजिटिव। और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए क्या होती है, ये स्लाइटली नेगेटिव, क्योंकि वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे ना बच्चों, एम वेक्टर एंड एच वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या ये बात समझ में आती है? और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो ससेप्टिबिलिटी होती है इट इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू वन। ठीक है, अब देखो किसी भी मटेरियल के अंदर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हम लिखेंगे वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स एच प्लस म्यू नॉट टाइम्स एम, ये ऐसा हो जाएगा। ये तो क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो म्यू नॉट को कॉमन ले लो आप, एच प्लस एम आ जाएगा। और एम को क्या लिख सकते हैं बेटे, एम को लिख सकते हैं काई टाइम्स एच,
तो बी रिजल्टेंट कितना आ जाएगा भाई? म्यू नॉट इनटू वन प्लस काई टाइम्स वेक्टर एच, म्यू नॉट इनटू वन प्लस काई टाइम्स वेक्टर एच, और वन प्लस काई को हम कितना लिख देंगे? एक और डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यूनिटलेस कांस्टेंट, म्यू आर। तो जो बी रिजल्टेंट हो जाएगा किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, वो हो जाएगा म्यू नॉट इनटू म्यू आर टाइम्स वेक्टर एच। ये बात समझ में आती है? यस। सोलेनोइड की बात करें तो बी को क्या लिख देंगे? म्यू नॉट म्यू आर इनटू एच, एच क्या होता है? एन आई। ये ऐसा होता है मुझे। अच्छा, तो आप देखो बात क्या है? हाँ बेटे, और की बात क्या लिखा? किसके बाद? किसके बाद? और फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, ओके सर, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल। तो थोड़ा ऊपर का दिखाना है। हाँ बेटा, हो गया सर। देखिए अब एक एक चीज और होती है जो कि इसमें हमको लास्ट में पढ़ना है, वो है हिस्टेरेसिस कर्व फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। हाँ भाई, देखो क्या होता है, अगर हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए इंटेंसिटी
मैग्नेटिक इंटेंसिटी वर्सेस मैग्नेटाइजेशन का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं बच्चों, तो वो कुछ इस तरह का आता है। आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा, फिर कुछ देर के बाद सैचुरेशन वैल्यू आ जाएगी, फिर जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी कम करोगे तो मैग्नेटाइजेशन कम होने लगेगा, और लेकिन जीरो नहीं हो पाएगा, और बड़ा किसी और कर्व के अलोंग था, कम किसी और कलोंग और कर्व के अलोंग होगा। फिर अगर आपको मैग्नेटाइजेशन जीरो करना है तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंटेंसिटी को अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के मैग्नेटाइजेशन कम होकर के जीरो हो पाएगा। और फिर जब अपोजिट डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी को और बढ़ाओगे तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होगा और फिर ऐसे आएगा और इधर आकर के ये इस तरह से जाएगा और ये ऐसे जा करके फिर फाइनली। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? देखो हिस्टरेसिस जो शब्द है ये हिस्ट्री से आता है, इट कम्स फ्रॉम हिस्ट्री। मतलब क्या है? दिस कर्व रिमेंबर्स द पास्ट, दिस कर्व रिमेंबर्स द पास्ट। इसका मतलब क्या है भाई, इस टैग लाइन का मतलब क्या है? इस टैग लाइन का मतलब देखो यहां से निकल समझ में आएगा जब आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दोगे। क्या? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सपोज मैंने इतना मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई किया हुआ, दिस इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी दैट एग्जिस्ट, नाउ व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन? So can you tell me the answer? Magnetization ये भी हो सकता है, magnetization ये भी हो सकता है, magnetization ये भी हो सकता है। क्यों बेटे? Yes. It depends where you are coming from, right? मतलब अगर आपने मैग्नेटाइजेशन जीरो था, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो थी और ऐसे बढ़ते हुए आ रहे हो तो इतना मैग्नेटाइजेशन होगा, लेकिन अगर आपने सैचुरेशन अचीव कर लिया था और फिर आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कम करते करते यहां तक लाए हो तो मैग्नेटाइजेशन इतना होगा, राइट? और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज था और फिर वापस इसको मैग्नेटाइज करते हुए अब लाए हो तो मैग्नेटाइजेशन इतना होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। है ना? तो क्योंकि बिकॉज देयर इज अ हिस्ट्री क्या थी इसकी, है ना, मैग्नेटाइजेशन की हिस्ट्री क्या रही है, उस पे करंट वैल्यू भी डिपेंड करी। मतलब जैसे अपन मैथ्स में वो फंक्शंस की बारे में पढ़ते हैं ना बच्चों, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द फंक्शन, राइट? मतलब फंक्शन में हम क्या बोलते हैं, जो आपकी डोमेन होती है इट मस्ट हैव एग्जैक्टली वन एंट्री, ईच एंट्री इन डोमेन मस्ट हैव एग्जैक्टली वन इमेज इन द कोडोमेन, राइट? यस सर। अगर ऐसा हो गया कभी तो क्या इसको हम कोई फंक्शन बना सकते हैं, इस तरह के रिलेशन का कोई फंक्शन बन सकता है क्या? नो सर। है ना, एवरी एंट्री इन डोमेन मस्ट हैव ओनली एग्जैक्टली वन इमेज।
तो ये उसका उल्टा है, एक ही इनपुट वैल्यू पे दो तीन अलग अलग आउटपुट मिल रहे हैं हमको, राइट। अब देखो ये जो क्वांटिटी होती है ना, दिस थिंग, ये वाला चीज, इसको बोलते हैं क्या, रिटेंटिविटी। मतलब क्या है, आपका मैग्नेटाइजेशन जीरो था, आपने जैसे जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाई, मैग्नेटाइजेशन बढ़ गया, सैचुरेशन आ गया। अब आपने कहा ठीक है मेरा काम हो गया, अब मैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कम करता हूँ। आपने मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कम किया, कम करते करते जीरो कर दिया, है ना, बढ़ाया, बढ़ाने के बाद आपने कम कर दिया, कम करते करते मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपने जीरो कर दी, लेकिन आप क्या देखते हो, मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ हमारा, इतना मैग्नेटाइजेशन बचा रह गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों, रिटेंटिविटी। तो अब जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैग्नेटाइजेशन को अपोजिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी, जैसे सोलेनोइड में करंट को रिवर्स करना पड़ेगा तुमको, है ना। तो क्या होगा, फिर ये कम होगा और एक सर्टेन नेगेटिव वैल्यू पे तुम्हें मैग्नेटिक इंटेंसिटी को लेके जाना पड़ेगा, तब जाकर के मैग्नेटाइजेशन जीरो हो पाएगा। तो ये वाली जो चीज होती है, कितना अपोजिट डायरेक्शन में मैं इंटेंसिटी अप्लाई करूं ताकि मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाए, इसको बोलते हैं कोअर्सिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों, कोअर्सिविटी, ठीक है। अब देखो दोस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स विच हैव हाई रिटेंटिविटी and high coercivity are ideal for making permanent magnets. And their hysteresis curve will be thick. And those ferromagnetic materials which have low retentivity and low coercivity are good for making electromagnets. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक मैग्नेटाइज्ड हैं, जैसे करंट बंद मैग्नेटाइज होना बंद। इनके लिए हिस्टेरेसिस का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा।
समझ रहे हैं? हाँ सर। अच्छा एक बात और होती है कि हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन is directly proportional to area occupied by hysteresis curve. क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों सबको? यस। जैसे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ना बच्चों, जो अपने सोसाइटी के बाहर या कॉलोनी के बाहर लगे हुए होते हैं, वो ट्रांसफार्मर्स का जो कोर होता है वो इसी तरह के मटेरियल का होना चाहिए। सॉफ्ट आयरन होता है ऐसा, जो कि फेरोमैग्नेटिक भी है, लो रिटेंटिविटी लो कोर्सिविटी भी होती है उसकी, सॉफ्ट आयरन। तो क्या होता है बेटे कि ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जिसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब और दिन भर रात भर वो ट्रांसफार्मर को काम करना है, सालों साल काम करना है। तो इट विल गो थ्रू इनफाइनाइट साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन। द ट्रांसफार्मर कोर विल गो थ्रू इनफाइनाइट साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। तो क्या होगा, खूब 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 हीट प्रोड्यूस होगा उसके अंदर, तो हमें उसको कंट्रोल करना होता। तो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि ये जिसका पतला ग्राफ बन रहा है ऐसा कर्व यूज हो। क्या ये बात समझ में आती सबको? हाँ बच्चा। yes, sir. तो ये हमारा अभी ये वाला चैप्टर खत्म होता है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे एंड स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बच्चों, तुम्हारा टर्म वन का डेट क्या आया है भाई? सर दिसंबर से शुरू हो रहा है। दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, ओके ओके। तो देखो बच्चों, अभी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग चालू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में चालू कर देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यानी 30, 31, 1, 2 ये इतनी तारीख तक अपन खत्म करने का इसको कोशिश करेंगे। थोड़ा सा लंबा लेक्चर लगाएंगे, है ना। एंड फिर अल्टरनेटिंग करंट इज अ स्मॉल चैप्टर, वो तो जल्दी हो जाएगा, 2-3 लेक्चर का ही चैप्टर है। सो वो सॉफ्ट आयरन जो लिखा वो ग्राफ
के लिए ही है वो। मतलब वन एग्जाम्पल ऑफ अ मटेरियल विच हैज अ ग्राफ लाइक दिस इज सॉफ्ट आयरन। तो आप कल के नोट्स भी शेयर कर दीजिए ना। एक मिनट कल के नोट्स। हाँ बच्चों, ये तो मैंने 28 अक्टूबर के तुमको भेज दिए हैं। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय सर। बाय बेटे। हेलो सर।